जी अस्सलाम असल जी मैं उसदीक मुर्तज़ा आज हम आए हैं जी बशीर दारुल माही जो कि आजकल असलम दारुल माही के नाम से मशहूर है असली और पुरानी दुकान जी ये लगी हुई है तस्वीर बशीर साहब की और असलम दारुल माही की और ये यहाँ पे रेट आवेज़ा है मछली है दो हज़ार को की जी बैंगन मिर्च ये है चालीस रुपये की यहाँ पर चल रहा है जी मिर्चों का सीन फ़्रेश मिर्चें निकाली जा रही हैं और धड़ाधड़ कढ़ाई में डाली जा रही हैं इस साइड पे चल रहा सीन जी मछली बनाने का क्या ख़ूबसूरत समा बना हुआ है और इनकी जो मछली है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाती है ये ज़रा इसका टेक्सचर चेक करें इसकी पकवाई चेक करें कि कितनी अच्छी इसकी पकवाई हुई हुई है और ये मछली कोई छोटी मछली नहीं बनाते हैं इनकी मछली का साइज़ बहुत अच्छा होता है और खाने में भी बेहद लजीज़ और कैल्शियम से भरपूर होती है और ये सोयाबीन के ऑयल में फ़्राई की जाती है ये ज़रा इसको देखें कि इसको बड़ी अच्छे तरीके से पकाया जाता है मछली मोटी होती है इसलिए इसको देर तक पकाया जाता है ये यहाँ पे अभी कोई रश नहीं है हम जल्दी आ गए हैं और अभी यहाँ पे लोगों को इतना रश नहीं लगा हुआ ये वो लोग हैं जो कि मछली की पैकिंग करते हैं और यहाँ से पार्सल करके लोगों को आगे सर्व कर दी जाती है चटनी इसके साथ दी जाती है अलग से दी जाती है और ये लोग यहाँ से अपनी मदद आपके तहत मछली ले जा रहे हैं और मछली का साइज़ चेक करें आप कितना अच्छा है अभी आपको अगर असलम कहीं नज़र आए तो मैं आपको दिखाता हूँ वो अगर आप गौर से देखें वो पीछे जो बंदा बैठा हुआ है मुंह पे हाथ रख के वो है जी असलम लेकिन जी ये अब आजकल मछली मछली की पैकिंग कर रहे हैं साहब और धड़ाधड़ ये पच्चियाँ देते जा रहे हैं पैसे पकड़ते जा रहे हैं और मछली लोग अपनी अपनी लेके जाते जा रहे हैं अब इन्होंने अपने साथ नानों का भी एक तंदूर लगा लिया है यहाँ पे पहले जगह इनको नहीं मिली थी अब जगह मिल गई है तो इन्होंने यहाँ पे अपना ही तंदूर खोल लिया है आगे थोड़ा सा जाएँ तो आगे आ जाता है जी फैमिली हॉल पीछे आपको फिरोजपुर रोड चलती हुई नज़र आएगी तो हम हॉल के अंदर बैठ चुके हुए हैं और मछली हमारी आ चुकी हुई है और मछली को आप साइज़ चेक करें और उसका कलर चेक करें उसका टेक्सचर चेक करें ये क्या ख़ूबसूरत है तो अब इसको हम फिश को हम खाएँगे और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी है जी ये ज़रा आप चेक करें इसको कि क्या ख़ूबसूरत और मोटी मछली है इसको कहते हैं जी मोटे कंडे वाली मछली और ये चटनी इसकी लाजवाब चटनी है जो कि इसके साथ सर्व की जाती है तो अब हम बनाएंगे जी इसका एक बाइट और आपको खा के बताते हैं कि जी कैसी है मछली नहीं जी कमाल की मछली का टेस्ट है आप भी यहाँ पे आएँ और इस फिश को